आपसे कहे कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो गई है तो आपको लगेगा हम शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में ना सही, कहीं तो ये दोनों पार्टियां एक हुई हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के हरदोई की, जहां बीजेपी के नगर महामंत्री सपा नेता की बेटी, दोनों शादी के उद्देश्य से घर से भाग गए। अब इस पर सपा नेता ने बीजेपी नगर महामंत्री पर आरोप लगा दिया कि उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ये मंत्री अपने साथ ले गए। सपा नेता ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की खोजबीन शुरू कर दी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर पूछा गया कि योगी सरकार अब अपने चरित्रहीन भाजपा नेता को पार्टी से निष्कासित कर गिरफ्तार कराएगी या फिर आरोपी को माला पहनाकर उसको महिमा मंडित करेगी। बीजेपी नेता के इस कृत्य से पार्टी की जहां किरकिरी हो रही है, तो वहीं बीजेपी के नगर महामंत्री को पार्टी से निकाले जाने और प्रकरण की कड़ी कार्रवाई कराने की बात कही है। ये पूरा मामला हरदोई जिले का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री आशीष शुक्ला और समाजवादी पार्टी के एक नेता की बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगा है। सपा नेता की ओर से पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया कि भाजपा नगर महामंत्री आशीष शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला 13 जनवरी को उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया। सपा नेता के मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाले 47 वर्षीय आशीष शुक्ला दो बच्चों के पिता हैं। आशीष शुक्ला उर्फ राजू ने उनकी 26 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा दिया और उसे लेकर फरार हो गया। सपा नेता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस फरार बीजेपी नेता आशीष शुक्ला और सपा नेता की बेटी की खोजबीन में जुटी है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जल्द से जल्द युवती को बरामद किया जाएगा और पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति सुभाष नगर निवासी थाना कोतवाली शहर ने प्रार्थना पत्र दिया है कि 13 जनवरी को लगभग 2:30 बजे उनकी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, वह घर से कहीं चली गई। पता करने पर उनको पता चला कि आशीष शुक्ला नाम का एक व्यक्ति शादी का झांसा दे करके बहला फुसला करके उसको कहीं भगा ले गया है। पुलिस को इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र जो अपहृता है, जो गायब है, उसको बरामद किया जाएगा। ये आशीष शुक्ला किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये शादीशुदा हैं? इस संबंध में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, शीघ्र ही हम लोग जांच में तथ्य आएगा तो आपको बताया जाएगा। वहीं इस मामले में सपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला किया गया। सपा कार्यकर्ताओं की ओर से की गई पोस्ट में कहा गया कि भाजपा राज में बेटियां सुरक्षित नहीं। हरदोई भाजपा नगर महामंत्री आशीष शुक्ला अपनी पत्नी, 21 वर्षीय बेटे और 7 वर्षीय बेटी को बेसहारा छोड़ अपने मोहल्ले की बेटी समान मुंह बोली बहन को बहला फुसला कर भगा कर घर से फरार हो गया। समाजवादी पार्टी के इस मामले में बेटियों की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है और नगर महामंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। सपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उन्हीं के पार्टी के एक नेता एक बेटी की इज्जत से खेलते हैं। कहीं ना कहीं अब बीजेपी के नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नगर के महामंत्री आशीष शुक्ला, इन्होंने हरदोई की एक बेटी को बहला फुसला के परिवार के लोगों का तो ये भी कहना है कि उठा ले गए। परिवार के जो आरोप है उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी और भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उन्हीं की पार्टी के नगर महामंत्री ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए 47 साल उम्र है उनकी, दो बच्चे हैं उनके शादीशुदा दो बच्चे हैं, और उसके बाद एक बेटी की इज्जत और आबरू से खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी इस घटना की निंदा करती है, पुलिस से और सरकार से अपील करती है कि बच्ची को जल्दी से जल्दी बरामद कराए पुलिस और परिवार को न्याय दे, उनकी बच्ची को उनके सुपुर्द करे। और जो आशीष शुक्ला जी हैं, इन्होंने जो घिनौना अपराध किया है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो वहीं इस मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने आशीष शुक्ला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि आशीष शुक्ला के गलत कामों के चलते उन्हें पार्टी के पद और सदस्यता से मुक्त किया जा चुका है, इस प्रकरण में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप लोगों के माध्यम से ही हमको पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई है
दोनों पक्षों से अधिकृत तौर पर मुझे कोई जानकारी नहीं है, फिर भी समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की चरित्रहीनता को लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है कहकर छिपाती थी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट है। हम किसी को भी गलत आचरण पर साथ नहीं देते हैं। जो जैसा गलत काम करेगा उसके साथ कानून वैसा सलूक करेगा। कानून को पूरी आज़ादी है। हमारे एक कार्यकर्ता रहे थे, उन पर आरोप है। पार्टी उनको उनके आचरण के कारण, उनके कार्यव्यवहार के कारण और पार्टी कार्य में उदासीनता के कारण पहले ही पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर चुकी है और उनको प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानून अपना पूरी तरीके से काम करेगा। वह परिवार जिसके साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ है वो जिस प्रकार की कार्रवाई चाहेगा वो कार्रवाई कानून करेगा। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों की छानबीन शुरू कर दी है।